सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, एंड आज हम जाने वाले हैं नेदर में अपने जो विदर स्केलेटन है उनका स्कल्स लाने। और ये देखो, मेरे पास एक्चुअली में मतलब पहले से एक स्कल है, क्योंकि वो मुझे मिल गया क्योंकि मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 2 है। तो सबसे पहले अभी मैं नेदर में जाता हूँ और मैंने अपना बैग थोड़ा खाली कर लिया। ओके, तो वो सबसे पहले चलते हैं नेदर में। एंड यहाँ नेदर में जाने के बाद मेरा फोर्ट्रेस बहुत पास है, रुको दिखाता हूँ। ये मेरा बेस है नेदर का, मतलब थोड़ा कवर में, क्योंकि घास ये सब नहीं तोड़ सकता इसीलिए, और बहुत बार मतलब तोड़ देता है ना मेरा जो पोर्टल है उसको, इसीलिए। एंड यहाँ पे देखो, वो देखो घास है सामने, उसको मारना पड़ेगा गाइस। तो उसको बोल लग जाए तो ठीक रहेगा। दो घास है यार, मर गया। अरे यार, फिर भी फायर चार्ज आ गया मेरे पास। चलो चलो, शायद उसने टीयर ड्रॉप किया, टीयर या फिर एक्सपी। अरे यार, ये भी आ गया, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ है यार। नेदर में मेरा बो नहीं दिख रहा, तुम्हारा भी नहीं दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो ज़रूर बताना। ओके, उसको लग ही नहीं रहा यार। अरे यार, हट गया मेरे सामने। और मेरे पास तो अच्छा अभी आर्मर है डायमंड का, इसीलिए बच गया मैं। एंड और देखो, उसने मुझे एक टीयर भी दिया, गास्ट का जो टीयर होता है वो दिया है ना, घास का रोने वाला। दिन भर तो रोते रहता है, फिर भी कहाँ से अपना टीयर गिरा देता है। बट वो भी बहुत काम होता है टीयर का भी, थोड़ा सा रेयर आइटम है। तो यहाँ से पूछते हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने शूज़ में सिर्फ फेदर फॉलिंग 3 है, बट हम लोगों को ब्रेकिंग और मेंडिंग लगाना है उसमें। एंड यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो अब मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि देख लो ये लोग जो है ना बहुत इशू करते हैं। ओके, ये बहुत मतलब स्केलेटन जल्दी मिलेंगे नहीं। जहाँ पे मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें वहाँ पे दिखा दूँगा कि मैंने उन्हें कैसे डिफीट किया और क्या, क्योंकि भाई बहुत मतलब इशू रहता है, क्योंकि लूटिंग 2 से जल्दी मिल नहीं रहे हैं और मेरे पास लूटिंग 3 की स्वॉर्ड है नहीं। एन्चेंटमेंट भी विलेजर्स नहीं दे रहे इसीलिए। एंड ये देखो गाइस, हम लोगों को अपना फर्स्ट विदर स्केलेटन स्कल मिल गया, मतलब ये सेकंड स्कल है। एक मैंने घर में रख दिया, वरना अगर यहाँ पे आके मर गया तो इशू हो जाएगा। Thank you.
एंड गाइस ये देखो अपना सेकंड स्कल पे मिल गया, किसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बट मिल गया। अब हमारा काम हो गया, जल्दी से निकलते हैं इस नेदर से। गाइस अभी हम नेदर से निकल रहे हैं और अरे यार इतना सा और बचा है, चलो जल्दी से चढ़ जाते हैं। अरे यार लावा में चलने, हमें फायर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी यार। अरे यार घास है वहाँ पे यार, वो से मारता हूँ। अरे मर गई एक ही बार में, घास टीयर ड्रॉप किया क्या? नहीं इसने खाली एक्सपी किया, चलो एक्सपी ले लेते हैं और अपने घर पे चलते हैं। ओके एंड ये हम लोग आ गए अपने घर पे, जल्दी से डोर बंद करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। खाना खा लेते हैं पहले क्योंकि खाना ज़रूरी है। एंड हम अपने घर पे बेस पे आ गए हैं और देख लो ये स्वॉर्ड तो मेरी नहीं है, मतलब मेरा एक दोस्त भी मेरे वर्ल्ड में ज्वाइन किया तो उसने क्या किया, मतलब उसने एक बार मुझे मार दिया ठीक है, तो मेरी शार्पनेस 5 की सोड थी उसके पास चले गई और उसकी सोड मेरे पास आ गई, तो उसने नेदरराइट माइन किया बहुत ज़्यादा, तो उसने नेदरराइट उसमें गलती से लगा लिया और वो सोड उसने ले ली। और मैं अपना खुद का माइन करना चाहता हूँ और ये मेरे दोस्त का घोड़ा है देखो, तो अभी इसको रख देते हैं और घोड़े को थोड़ा जाने देते हैं, बाहर घूम के आएगा अपना। और अभी उसको रख देते हैं विद स्केलेटन। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है गाइस कि हम विदर स्केलेटन को फाइट करें या फिर विलेजर का जो ट्रेडिंग हॉल है उसको फिर से बनाएं, क्योंकि देखो पीछे में मैंने ट्रेडिंग हॉल तोड़ा और उसे वापस बनाया क्योंकि विलेजर्स वर्क नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये हो सकता है।